नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषि अपने शादी की बात को लेकर इस समय सीरियस हो चुका है और उसने बोल दिया है कि मैं अपनी शादी लक्ष्मी के साथ में कर रहा हूं और उसने इन्विटेशन के लिए सभी फैमिली मेम्बर को इन्वाइट करने के लिए आया है। आप लोग जानते हैं कि नीलम को ये बात किसी और से नहीं बल्कि किरण से पता लगती हुई नजर आ रही है। मलिष्का की मॉम किरण ने ही बताया है कि ऋषि अब किसी की बात नहीं मान रहा है, वो हाथ से निकल चुका है। आप लोग जानते हैं कि ये सब कुछ जो चल रहा है, इन सब के पीछे नीलम जो दोषी मानती है, सीधा सीधा किसी और को नहीं बल्कि वो इस समय लक्ष्मी को मानती है कि लक्ष्मी ने हमारे बेटे को हमसे चुराया है। लेकिन दोस्तों, कहानी का टूश भी थोड़ा घना नहीं है बल्कि इस समय घना ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नजर आने वाला है ऋषि कि कोई किसी को नहीं चुराता, ये खाली अपनी मन की भावना होती है। क्योंकि तुम लोगों को लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ और मुझे चुरा लिया गया है, लेकिन मुझे चुराया नहीं है बल्कि तुम लोगों खुद अपने औकात से बाज नहीं आ रहे हो। आप लोग जानते हैं कि इस समय ऋषि हर किसी को एक अलग ही तरीका का जवाब दे रहा है और नीलम बोलती नजर आ रही कि हम किसी की शादी में नहीं जाएंगे। हालांकि दोस्तों, कहानी एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि सभी लोग थोड़ा नहीं बल्कि समय टेंशन में है कि आखिरकार इस चीज़ का होने वाला क्या है। लक्ष्मी की बात की जाए तो लक्ष्मी शादी के लिए रेडी है, ऋषि रेडी है, लेकिन यहाँ पर मलिष्का एक ज़ोरदार नया अटैक करने की प्लानिंग करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मलिष्का को पता है कि अगर इस बार शादी हुई ऋषि की और लक्ष्मी की तो हमेशा हमेशा के लिए मलिष्का का पत्ता कट जाएगा, फिर ज़िंदगी में कभी ऋषि की ज़िंदगी में वापसी नहीं कर पाएगी। ये हकीकत है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों, साथ ही मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें।